इन्फॉर्मेशन है, द एवरेज वेट ऑफ अ 500% ऑफ एज बिटवीन 20 and 26 ईयर ऑफ अ सर्टेन एरिया इज 55 kg. यानी कि हमें एवरेज दिया है 55 kg किसका, तो कि 500 टोटल पर्सन है जिनका एज 20 से 26 ईयर के बिटवीन है, ऐसे लोगों का एवरेज दिया है आपको 55 kg. एवरेज का मतलब गाइस क्या होता है, तो कि म्यू होता है, यानी कि म्यू हमारा है 55. ओके, आगे देखते हैं. एंड इट्स वेरियंस इज 100 kg. वेरियंस का मतलब गाइस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर है हमारा 100. बट हम जानते हैं कि हम लोग कहीं पे भी सिग्मा स्क्वायर यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, सिग्मा. तो सिंपली सिग्मा स्क्वायर का रूट निकालो, कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा. ओके, आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ अ पर्सन दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर, उन लोगों ने हम लोगों को ये 3 कैटेगरी के वाइज हम लोगों ने कैटेगराइज्ड किया है, और हमें फाइंड क्या करना है गाइस, ओके, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फिट हेल्दी एंड वीक पर्सन्स. हमें प्रॉबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नहीं पूछा है, हमें क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, नंबर ऑफ पर्सन एस्टिमेट करने के लिए बोला है. इट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको कभी भी नंबर ऑफ पर्सन बोला है, नंबर ऑफ डे बोला है, परसेंटेज बोला है, तो लास्ट में जो प्रॉबेबिलिटी आता है वहाँ तक तो हम लोग सेम ही सिचुएशन फॉलो करेंगे, बट लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्सन एस्टिमेट करने के लिए बोला है. अगर परसेंटेज बोला होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, क्लियर. अगर डेज बोला होता तो टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई करते. ओके, फर्स्ट वन कैटेगरी कैसी है, तो कि पर्सन हैविंग अ वेट मोर देन 70 kg. अगर किसी पर्सन का वेट 70 kg से ज़्यादा है, देन इज द फेट पर्सन ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब मोटे लोगों का ग्रुप, यानी कि फेट पर्सन ग्रुप कहेंगे, क्लियर. तो उसके रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर पर्सन एस्टिमेट करता है. तो हमारे पास ये 3 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. फर्स्ट वन हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. यहाँ पे आपको क्लियर बोला है कि मोर देन 70, यानी कि एक्स वाला क्वेश्चन हमारा कैसा बनेगा गाइस, पी ऑफ एक्स. मोर देन बोला है मतलब साइन आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और कैसा है, 70 है, क्लियर. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो कि इसको हम लोग जेड में कन्वर्ट करते हैं. तो जेड में कन्वर्ट करो, कैसा हो जाएगा, पी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 माइनस म्यू हमारा है 55 और सिग्मा है हमारा 10, क्लियर. अब इसको z में कन्वर्ट कर दो, ये हमारा क्या बन जाएगा, z, p ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन करोगे 1.5 मिलेगा. ओके, यानी कि z का वैल्यू आपको क्लियर मिल चुका है, हम लोग उसको z नॉर्मल कर्व में ड्रॉ कर देते हैं. 1.5 गाइस हमें पता चला है कि प्लस है, यानी कि इतना तो कन्फर्म हो गया कि 1.5 राइट हैंड साइड कहीं पे आने वाला है. ओके, अब बात करते हैं कौन सा एरिया शेड करेंगे, कौन से एरिया का हमें फाइंड करना है. ओके, तो देखो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 मतलब आपका एल्बो का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, तो सिंपली पहले तो क्या कर दो, इतना तो पता चल गया ना कि बिकॉज ऑफ 1.5 प्लस है वो राइट हैंड साइड आने वाला है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट. ओके, अब डायरेक्शन देखो एल्बो का आपका इधर जा रहा है, मतलब राइट हैंड साइड जा रहा है, मतलब 1.5 से आपको उस साइड जाना है, तो मतलब आपका ये वाला एरिया जो है वो शेड होने वाला है, क्लियर. अब हमें चाहिए ये वाला एरिया, बट अकॉर्डिंग टू जेड टेबल हम लोग डायरेक्टली ये एरिया फाइंड नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ 0 से टच एरिया फाइंड कर सकते हैं. बट क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इतना वैल्यू पता है, कितना होता है 0.5 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, क्लियर. तो उसमें से हम लोग 0 से 1.5 का देख के माइनस कर देंगे तो ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, क्लियर. इट मीन्स कि इतना एरिया हमें पता है, इतना एरिया देख के माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हम लोगों को मिल जाएगा. ओके, नोटिफिकेशन में उसको लिखेंगे कैसे गाइस, तो कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ऑलवेज, ये फॉरगेट मत करना. ओके, फर्स्ट वन शुरू करेंगे 0 से, पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इन्फिनिटी, ये भी नहीं भूलना है कि इन्फिनिटी प्लस हो या फिर माइनस हो उसके साथ सिर्फ लेस देन आएगा. ओके, इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस करना है पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.5. अब देखो गाइस ये एरिया तो हमें पता होता है कितना है, तो कि 0.5 है. अब हमें क्या करना है, तो कि 0 से 1.5 का देख के उसको माइनस करना है. तो z टेबल में देखो 1.5 का एरिया कितना होगा, तो 1.5 आपको यहाँ से लेना है, कितना मिलेगा 0.4332, यानी कि ये हो जाएगा 0.4332, जिसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.6068. ओके, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी. बट हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फेट हेल्दी एंड वीक पर्सन. तो ये कैटेगरी किसका था गाइस, तो कि फैट पर्सन का था, क्लियर. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी हमें मिला है
उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं गाइस उस एरिया में, तो कि 500। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि हो जाएगा 500 इंटू 0.0668, तो हमें मिलेगा 33.4। बट क्या नंबर ऑफ पर्सन फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं। तो अगर इसको अप्रॉक्स करना है तो ये कैसा हो जाएगा, तो कि 33%। क्लियर? अगर पॉइंट यहाँ पे 5 और उससे बड़ा होता तो हम लोग एक नंबर इंक्रीज कर देते, अदरवाइज उसको एज इट इज रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वाला कैटेगरी हमें दिया है। तो कि अ पर्सन हैविंग अ वेट बिटवीन 50 to 60 kg इज इन द हेल्दी पर्सन ग्रुप। अगर किसी बंदे का वेट 50 से 60 में है तो वो हेल्दी पर्सन है। ओके, यानी कि आपको क्वेश्चन कौन सा वाला बनाना पड़ेगा, बिटवीन वाला बनाना पड़ेगा। पहले एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, फिर आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा पी ऑफ 50 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 60। व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, तो कि कन्वर्जेशन इनटू जेड। ओके, क्या हो जाएगा, पी ऑफ 50 माइनस, यहाँ पे हमारा म्यू कितना है, 55 डिवाइडेड बाई 10 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 10। अब सिंपली इसको जेड में कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5/10, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 0.5 लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा जेड लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 60 माइनस 55 यानी कि 5/10, ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। क्लियर? 60 माइनस 55 5/10। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, पहले नॉर्मल कर्व जो है हमारा उसमें हम लोग उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो कि एक वैल्यू हमारा माइनस है, एक वैल्यू प्लस है, तो एक वैल्यू हमारा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एक वैल्यू जो है वो हमारा जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, तो सिंपली गाइस देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो कि माइनस 0.5 यहाँ पे है तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे माइनस 0.5 हो सकता है, प्लस 0.5 यहाँ पे है तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्लस 0.5 यहाँ पे हो सकता है, जिसका बिटवीन एरिया फाइंड करना है, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब या तो हम लोग जीरो से लेफ्ट जा सकते हैं या तो जीरो से राइट जा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो से माइनस 0.5 का देखेंगे और जीरो से प्लस 0.5 का देखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, यानी कि इतना देखेंगे फिर प्लस करेंगे ये वाला एरिया, तो ये पूरा मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ओके, तो उसको पहले नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में हम लोग कैसे दिखाएंगे गाइस, तो कि ऑलवेज असेंडिंग में जाना, ये मत भूलना, पी ऑफ माइनस 0.5 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ 0.5 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आएगा गाइस 0 से 0.5 जाना है। ओके, 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0.5। सिंपली अब हमें क्या करना है, 0.5 का हमें z टेबल में वैल्यू देखना पड़ेगा। 0.5 का z टेबल में वैल्यू देखो तो गाइस 0.5 आपका वैल्यू है 1915, यानी कि ये वैल्यू आपका है 0.1915। सेम इज इट इज़ आप प्लस साइड देखते हो या फिर माइनस साइड देखते हो, वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.1915। बट आपने माइनस का वैल्यू भी प्लस में देखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब देखो इसका प्लस करते तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 0.3830। बट हमें प्रॉबेबिलिटी नहीं चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स सिंपली क्या करो, तो कि 500 इंटू 0.3830 यानी कि आपको मिलेगा 191.5। बट अगेन पर्सन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो जिसको अप्रॉक्स करना है तो क्या हो जाएगा, 192, बिकॉज यहाँ पे 0.5 है। ओके, यानी कि जो हेल्दी पर्सन है वो कितने हैं एस्टिमेटेड, तो कि 192 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन हैविंग अ वेट लेस देन 35 kg इज इन द फिजिकली वीक पर्सन्स ग्रुप। अगर किसी का जो वेट है वो 35 से डाउन है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, फिजिकली वीक। ओके, तो पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, एक्स वाला क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स लेस देन, क्लियरली बोला है मतलब लेस देन और इक्वल टू, और साइन जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू 35। ओके, इसको जेड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 35 माइनस हमारा म्यू कितना है 55 और हमारा सिग्मा है 10। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा गाइस, जेड लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस 20/10 यानी कि माइनस
2। सिंपली इसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना पता चल चुका है कि माइनस टू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कहीं पे आने वाला है। ओके, अब प्रॉब्लम होगा कि कौन सा एरिया शेड करेंगे। तो माइनस टू पहले तो जहाँ पे आता है ना वहाँ पे उसको ड्रॉ कर दो, फिर उसका एल्बो देखो ये साइड जा रहा है, यानी कि माइनस टू से आपको ये वाले डायरेक्शन का एरिया शेड करना है। माइनस टू और एल्बो इस साइड जा रहा है, यानी कि ये एरिया आपका शेड होने वाला है। ओके, अब अगेन हम लोग डायरेक्टली ये वाला एरिया तो देख नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो से माइनस इन्फिनिटी हम जानते हैं, क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जिसमें से माइनस टू का जीरो हम लोग माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, इतना एरिया हमें पता है, इतना एरिया देख के माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, उसको नोटिफिकेशन में पहले लिखेंगे कैसे, असेंडिंग में लिखना है ये मत भूलना। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यानी कि लिखेंगे पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू जीरो, माइनस करना है माइनस टू से जीरो, यानी कि पी ऑफ माइनस टू लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये वाला वैल्यू तो हमें पता होता है कितना होता है, 0.5। अब टू का वैल्यू हम लोगों को देखना पड़ेगा जेड टेबल में, टू देखो तो कितना होता है हमारा, तो कि 0.4772, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.4772। बट आपने माइनस का वैल्यू भी प्लस में देखा है तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और इसको अगर आप माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 0.0228। बट ये हुआ हमारा प्रॉबेबिलिटी, हमें चाहिए नंबर ऑफ पर्संस। सिंपली क्या करेंगे, 500 इंटू 0.0228 आपको मिलेगा 11.4। अगेन पर्सन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, सो दैट्स वाई इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा गाइज, 11 पर्संस। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, जैसे प्रॉबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं वैसे ही आपको सब कुछ फॉलो करना है, और लास्ट में सबको टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें दिए गए हैं 500, तो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है।